भारत माता की, धीरे से नहीं बोलना, पूरी तेजकारा बोलना है, बोलिए भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान राजनीति में जिन्हें विरोधी चाणक्य के रूप में जानते हैं, ऐसे हमारे कुशल नेतृत्वकर्ता माननीय श्री अमित शाह जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, अर्थात कहूं देश के 130 करोड़ जनता के हृदय में बात करने वाले हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित हमारे वरिष्ठतम नेतागण, उपस्थित सम्मानित प्रतिनिधिगण, माननीय श्री नितिन गडकरी जी, हमारे केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा रखे गए राजनीतिक प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुत सारी बातें आई हैं, मैं आप सबके सामने इतना ही कह सकता हूं कि इस देश के अंदर जो भाजपा विरोधी और वर्तमान में कहिए कि माननीय नरेंद्र मोदी विरोधी जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, मोदी सरकार के माध्यम से गरीब कल्याण के लिए, किसान कल्याण के लिए, पिछड़ा कल्याण के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, और यह कहूं कि सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए भी जो कदम उठाया गया है, इससे विरोधियों में घबराहट हो गई है। और उस घबराहट के कारण जो कार्य है उनका वर्णन करेंगे तो घंटों लगेगा। उस घबराहट के कारण सबका एक लक्ष्य हो गया है कि सारे लोग एक हो जाओ। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से नरेंद्र मोदी जी आ गए तो जो भ्रष्टाचार शताब्दी के आधी शताब्दी से अधिक समय तक केंद्र में सरकार चला करके, प्रदेशों में सरकार चला करके करते थे, उस भ्रष्टाचार का सदा सदा के लिए अंत हो जाएगा। गरीब आदमी जो गरीबी के दलदल में फंसा था वह गरीबी से मुक्त हो जाएगा। इस देश के अंदर जो अभावग्रस्त लोग हैं उनके अभाव को दूर करने का काम हो जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि इस देश के अंदर यह जो गरीब है, या जो पिछड़ा है, या जो दलित है, अगर इसके जीवन में परिवर्तन आ गया तो कांग्रेस की राजनीतिक दुकान, उसके अनुयायियों की राजनीतिक दुकान इस देश में सदा सदा के लिए बंद हो जाएगी। मैं आप सब लोगों के सामने आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के, क्योंकि आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और जयंती पर उनको नमन करते हुए उनका वह शब्द, उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त किए बगैर मत रुको, और हनुमान जी की भी, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि राम काज की नहीं बिना मोहि कहाँ विश्राम, और राष्ट्र काज की नहीं बिना, यह राष्ट्र का काम है। माननीय मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर जो राजनीतिक विरोधी है केवल वह नहीं रोकना चाहते, दुनिया के अंदर भी जो विरोधी हैं वह भी रोकना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मोदी जी के नेतृत्व में अगर 2019 की फिर से भारत में सरकार बन गई तो हिंदुस्तान दुनिया में सबसे आगे खड़ा हो जाएगा, पूरी दुनिया को हिंदुस्तान के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। यह जो डर सता रहा है लोगों को, वह डरने वाले सारे लोग एक होते हैं। इसी कारण से हम पिछले काफी दिनों से सुनते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को तो मैं झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन कहता हूं, और यह झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा संचालित जो झूठ बोलने वालों का एक तंत्र है वह भारत की सेना का भी अपमान करते हैं। भारत की सेना के अध्यक्ष को कहते हैं वो सड़क के गुंडे हैं, भारत का सेना अध्यक्ष को सड़क का गुंडा बताते हैं, और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को ये गले लगाने का काम करते हैं। इसका जवाब इस देश के अंदर देशभक्ति से ओतप्रोत जनता जरूर देने का काम करेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपका इस बात के लिए, मैं जिस वर्ग समाज से आता हूं, जिस पिछड़े वर्ग से आता हूं, वह पूरा वर्ग आपके द्वारा जो राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है उससे गदगद है। उसके लिए मैं संपूर्ण पिछड़ा वर्ग की ओर से आपका अभिनंदन भी करता हूं, आपको बधाई भी देना चाहता हूं, और यह भी आज यहां पर कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा का गठबंधन, इसकी दो दिन से चर्चा हो रही है,
लेकिन मैं आपको यहां पर कह करके जाना चाहता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी, मायावती जी, कर लीजिए यह नोट, अब पिछड़ों का, दलितों का, गरीबों का नहीं बिकेगा वोट। वह वोट माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, वह जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। पिछड़े वर्ग के भारत के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री फिर से बनने से कौन रोकना चाहता है? यह संदेश इस देश की जनता समझ रही है। जो सपा बसपा के बारे में मैं यही कहूंगा, एक सांप नाथ एक नेवला नाथ, ये सांप और नेवले की दोस्ती नहीं हो सकती। या सांप और नेवला का लक्ष्य जो है वह मोदी जी को रोकना है। जनता इस बात को भरी प्रकार से समझती है। इसी आज इस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से मैं आप सबका आह्वान करता हूं, जनता भाजपा मंच में विरोधी नेता तो दिखाई दे सकते हैं लेकिन जनता उनके साथ नहीं है। आज यहां से एक नारा जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहित सभी वरिष्ठ नेताओं ने कहा है, एक नारा लेकर के जाइए, 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। इस संकल्प को लेकर के, इस लक्ष्य को लेकर के जाइए। और मुझे पूरा विश्वास है 2014 से बड़ी विजय 2019 में देश में तो प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश में चाहे जितने गठबंधन कर लो, चाहे जितने महागठबंधन कर लो, चाहे जितने भ्रष्टाचार के गठबंधन कर लो, गुंडागर्दी के गठबंधन कर लो, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2014 से भी बड़ी संख्या में कमल का फूल खिलेगा और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री पद पर बैठाने के लिए खिलेगा। और देश में तो जो वातावरण है आपने अलग अलग या यहाँ पर नेताओं के माध्यम से सुना है। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ, गांवों के अंदर इसमें बड़ी संख्या में हमारे जो प्रतिनिधिगण आए हैं गाँव से भी जुड़े हैं, मैं गाँव से जुड़ा रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं स्वयं दूसरे का उदाहरण नहीं दूंगा, मैं अपना ही उदाहरण देना चाहूंगा। मैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपने करोड़ों परिवारों में जो गैस के कनेक्शन निःशुल्क पहुंचाने का काम किया है, माताएं रोने लगती हैं। मैं भी सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए जब कभी गैस का एक कनेक्शन लेने के लिए प्रयास किया था, आज से 200 साल पहले बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन वह मुश्किल को आपने इतना आसान कर दिया। जो गरीब कभी सोच नहीं सकता था कि उसके घर में गैस के चूल्हे पर रोटी बनेगी, आपने रोटी बनाने के लिए उसको गैस का निःशुल्क कनेक्शन देने का काम किया है। कितने गरीब थे जिनके पास सर छिपाने के लिए घर नहीं था, आपने उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर देने का काम किया। गरीब आदमी गैस का कनेक्शन नहीं ले सकता था, आपने सौभाग्य योजना के माध्यम से गरीब को बिजली घर नहीं जाना पड़ा, बिजली घर को गरीब के घर जाना पड़ा। यह जो आपने व्यवस्था दी, इस देश का गरीब गदगद है, वह जाति से परे है। मैं आयुष्मान भारत योजना आपने वह काम किया है, मैं तो स्वयं जिस परिवार से आता हूँ, आपने भी गरीबी देखी, मैंने भी गरीबी देखी है। मेरे स्वयं के पिताजी के इलाज कराने के लिए मेरे स्वयं के पैतृक जो जमीन थी वह 5,000 रुपए में गिरवी रख करके पिताजी का इलाज कराने का काम हुआ था। घर के जेवर बिके थे, जमीन गिरवी रखी गई थी, कर्ज लिया गया था वह 5,000 रुपए के लिए। आपने 5,00,000 रुपए की जो स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देने का काम किया है। यह मैं समझता हूँ इस देश का गरीब आपके लिए क्या उसकी भावना है उसे मैं शब्द नहीं दे सकता। शौचालय में जानता हूँ गांव में बनते थे, किनके पास घर में जिनके पास पैसे होते थे, गरीब के घर में शौचालय नहीं बनते थे। गरीब आदमी के घर में भी शौचालय बनेगा, उसका वो उपयोग कर सकेगा, यह कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन आपने उन गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम किया, जो गरीब आदमी को खेत की मेड़ पर सड़कों के किनारे माताएं बहने हो सबको जाकर के वहां जाना पड़ता था। यह शौचालय एक साधारण बात नहीं है, गरीब आदमी इस बात को महसूस करता है। वह यह भी जानता है कि इस देश के अंदर कांग्रेस और उसके जो भी समर्थक दल है, जो एक देश के अंदर मोदी जी को रोकने के लिए जो साजिश कर रहे हैं, गरीब आदमी इस बात को समझता है। मैं आप सभी यहाँ पर उपस्थित सम्मानित प्रतिनिधिगणों का निवेदन करूंगा, आह्वान करूंगा कि आप सब आज यहाँ से जाइए और आप हनुमान जी की तरह ताकतवर हैं, कोई गलत बहमी में मत रहिएगा। कई बार हम अपनी ताकत भूल जाते हैं तो यह भूलने का वक्त नहीं है,
यह हमें याद रखने का वक्त है, लक्ष्य को प्राप्त करने का वक्त है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से भी बड़ी विजय 2019 में दिलाने का दिन है। या संकल्प लेकर के यहाँ से जाइए, विजय आपकी प्रतीक्षा कर रही है। कमल का फूल खिलाने के लिए जनता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए मैं आज यहाँ पर आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा, यह लोकसभा के चुनाव तक जाइएगा सब कुछ भूल, याद रखिएगा भारत माँ को विश्व में प्रथम स्थान दिलाने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, कमल का फूल खिलाने के लिए कहना चाहूंगा 2019 में जाइए सब कुछ भूल, याद रखिएगा नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। इसे मैं आप सबको आज यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि विश्वास करो तुम मोदी पर, विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नवयुग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है, एक बार ही आता है। यह नेतृत्व जो इस देश को मिला है वह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके सुख नहीं भोगते। दुनिया के अंदर कोई ऐसा शासक नहीं है, इस देश के इतिहास में कोई ऐसा शासक नहीं है जिसने छुट्टियां ना मनाई, लेकिन जो 18 से 20 घंटे केवल देश के लिए, देश की जनता के लिए समर्पित करते हैं, ऐसे आदरणीय नेता हमारे पास, ऐसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे सर्वोच्च नेता के रूप में है, ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी जिनकी मान्यता पूरे विश्व में है, और विश्व के बड़े बड़े नेता, हम लोग नारा लगा रहे थे 2014 में आपकी बार मोदी सरकार, अमेरिका का चुनाव होता है तो वहां पर भी कहते हैं आपकी बार ट्रंप सरकार, यह नारा मोदी जी के नाम से दुनिया को भाता है। गरीबी कैसे मिटानी है, गरीबों के जीवन में खुशी कैसे लानी है, कैसे उनको शिक्षा देना, कैसे उनका विकास करना है, या विकासवाद और राष्ट्रवाद को लेकर के, इस देश की गरीबी को मिटाने को लेकर के 2019 की यह लड़ाई है। यह राजनीतिक प्रस्ताव के समर्थन में खड़े होकर के मैं आप सबको यही कह करके जाऊंगा, जो वादा सबका साथ सबका विकास सबको सम्मान सबको स्थान देते हुए, यह एक राष्ट्रीय पहचान किसकी बनी है, मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी की बनी है। कोई भेदभाव नहीं हुआ हमारी सरकार में, केवल विकास हुआ और केवल विकास हुआ, और वह विकास बिना भेदभाव के हुआ, पूरे देश का विकास हुआ, पूरे हर प्रदेश का विकास हुआ। इसलिए मैं आप सबको यहाँ समय के अभाव को ध्यान में रखते हुए आज आप सब लोगों से इतना ही कह करके निवेदन करके जाऊंगा, प्रयागराज में कुंभ का मेला है, मैं प्रयागराज से आता हूं और मैं आप सबको प्रयागराज के कुंभ में कमल का फूल खिलाने का जो उत्तरदायित्व है, वह फूल खिलाने का संकल्प कहीं अधूरा ना रहे, लेकिन उसके बीच में भी आप आइए, अपने परिवार के साथ आइए, अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ आइए, प्रयागराज के कुंभ में गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम तट पर आपके स्वागत के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश की सरकार के नाते भी, प्रयाग का वासी होने के नाते भी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2019 में फिर से कमल का फूल खिलते हुए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए देख रहा हूं, और मुझे पूरा विश्वास है इस लक्ष्य को आप सबकी अगुवाई में, आप सबके सब परिश्रम और प्रयास के बल पर हम जरूर प्राप्त करेंगे। आज इतना ही निवेदन करके अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।